हमने स्टार्ट किया हुआ था हेयरिंग लॉस के बारे में, मैंने आपको बताया था कि वो उसकी टाइप्स मैंने आपको बताई थी, वेबर टेस्ट और ड्रेनेज टेस्ट के बारे में हमने देखा था, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं और ये आपकी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हियरिंग लॉस जो है वो दो तरह का हो सकता है। क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक हो सकता है या इनऑर्गेनिक हो सकता है, ठीक है। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस होता है कि जो ऑर्गेनिक होता है ना उसके कॉज का हमें पता होता है, कॉज का हमें पता होता है कि किस वजह से हुआ, ठीक है। ये वो कौन सी वजह हो सकती है जिसकी वजह से हियरिंग लॉस हुआ, एनाटॉमी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी फिजियोलॉजी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, फंक्शन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, एनाटॉमिकल कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर हमें रीज़न का पता है तो दैट इज़ ऑर्गेनिक। अगर हमें रीज़न का नहीं पता कि पता नहीं क्यों हो गई हेयरिंग लॉस, ठीक है, क्यों हो गई, सडन हो गई, ग्रेजुअल हो गई, क्यों हो गई, ठीक है, उस कॉज का अगर हमें नहीं पता तो वो हमारे पास नॉन ऑर्गेनिक होती है। फिर जो हमारे पास ऑर्गेनिक हेयरिंग लॉस होता है जिस कॉज का हमें पता होता है वो आगे से दो तरह का होता है, कंडक्टिव होता है, सेंसोरी न्यूरल होता है। तो इन दोनों के दरमियान में हमने डिफरेंस देख लिया था कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में जो हमारे पास एक्सटर्नल ईयर होता है, मिडल ईयर होता है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, और जो सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है उसमें हमारे पास आगे इनर ईयर से आगे मसला होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेंसोरी न्यूरल है इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि वो सेंसरी हो सकती है प्रॉब्लम या न्यूरल हो सकती है। जो सेंसरी होते हैं ना उसमें हमारे कॉकलिया में मसला होता है, कॉकलिया के जो रिसेप्टर्स होते हैं जिन्होंने हमारी साउंड वेव्स को जो है वो रिसीव करना होता है और आगे नर्व की तरफ भेजना होता है, अगर वो रिसेप्टर्स ख़राब होते हैं ना सेंसिंग में प्रॉब्लम आती है तो उसको हम कहते हैं कि वो सेंसरी हियरिंग लॉस है, मीन्स दैट कॉकलिया में कोई प्रॉब्लम है। और जो न्यूरल होता है उसमें क्या होता है, हमारी जो एट्थ नर्व होती है वेस्टिब्यूलो कॉकलियर नर्व उसमें प्रॉब्लम होती है तो उसको हम कहते हैं न्यूरल। अब न्यूरल होती है ना वो आगे से पेरिफेरल होती है, सेंट्रल होती है, मैंने आपको वो सारी फिगर दिखाई थी ना उसमें आपको पेरिफेरल याद है ना, वो जो हमारे पास सिग्नल लेके जा रही थी नर्व एट्थ नर्व और किधर लेके जा रही थी हमारी सेंट्रल जो हमारे पास था ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास पेरिफेरल हो सकती है सेंट्रल हो सकती है, मींस दैट कि हमारे एट्थ नर्व में कोई प्रॉब्लम है और सेंट्रल में क्या होगा हमारे सेंट्रल ऑडिटरी पैथवेज में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। सो ये आपके पास क्लासिफिकेशन हो गई, ऑर्गेनिक हो सकती है इनऑर्गेनिक हो सकती है। ऑर्गेनिक नाउन कॉज है, उसमें से दो आ जाती हैं, कंडक्टिव है या सेंसोरी न्यूरल है, सेंसोरी न्यूरल आगे से सेंसरी हो सकता है या न्यूरल हो सकता है, सेंसरी मींस रिसेप्टर्स में कॉकलिया में कोई प्रॉब्लम है और न्यूरल मींस कि हमारी नर्व के अंदर प्रॉब्लम है। नर्व के अंदर जो प्रॉब्लम होगी वो फर्दर दो तरह से हो सकती है, सेंट्रल हो सकती है और पेरिफेरल हो सकती है। सेंट्रल मींस कि हमारे ब्रेन के अंदर जो ऑडिटरी पैथवेज है उनमें प्रॉब्लम है और हमारे जो पेरिफेरल है उसमें हमारी नर्व के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं जो हमारी हमने जो इस चैप्टर में चीज़ें पढ़नी है ना वो क्या क्या पढ़नी है, किस पे फोकस करना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडक्टिव हेयरिंग लॉस क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नॉइज़ इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस होता है वो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद प्रेस्पिक्यूसिस इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा जो है ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स जो है वो उनके बारे में हमने डिस्कस करना है इंशाल्लाह। सबसे पहले हम कंडक्टिव हेयरिंग लॉस की बात करते हैं। तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस क्या होता है, इसमें मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जो कंडक्शन में प्रॉब्लम आती है किसी भी वजह से जो है कंडक्शन जो है वो हमारे पास होगी एक्सटर्नल ईयर में या हमारे मिडल ईयर तक जो है ना, मतलब जो एक्सटर्नल पिन्ना है वहाँ से लेके जहाँ तक हमारी स्टेपीज जो है वो हमारी इनर ईयर के साथ अटैच है, इस रीजन में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसको हम कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में क्लासिफाई करेंगे। उसके बाद इसका जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या क्या होता है, रीनी टेस्ट की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था जब कंडक्शन में प्रॉब्लम होती है ना एयर कंडक्शन में, तो उस केस में क्या होता है कि हमारे पास जो रीनी टेस्ट होता है वो नेगेटिव आता है। नॉर्मली पॉजिटिव कब आएगा, जब एयर कंडक्शन जो है बोन कंडक्शन ज़्यादा होगी तो उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, ठीक है। और हमारे पास जो नेगेटिव होगा वो क्या होगा कि जब हमारी जो एयर कंडक्शन होगी वो बोन कंडक्शन से कम होगी, ऑब्वियसली कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है तो एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन से कम हो जाएगी, रीनी टेस्ट इसके लिए आपको आना चाहिए। उसके बाद वेबर जो होगा वो ब्लटलाइज होगा पुअर ईयर में, मैंने आपको बताया था कि जो सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है उसमें जो वेबर टेस्ट होता है वो सही वाले ईयर की तरफ लेटरलाइज होता है, ठीक है। और जो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है उसमें हमारा जो वेबर लेटरलाइज होता है मींस दैट पेशेंट को जिसमें आवाज़ ज़्यादा आ रही होती है वो गंदे वाले जो खराब ईयर होता है उसकी तरफ जा रही होती है, तो इसलिए वेबर टेस्ट होता है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में खराब ईयर की तरफ लेटरलाइज होते हैं। उसमें मैंने आपको कॉज भी बताई थी कि क्योंकि हमारे पास कंडक्टिव कंडक्शन नहीं हो रही तो सिर्फ बोन कंडक्शन हो रही है, बोन कंडक्शन ही ज़्यादा होगी ना तो इस वजह से पेशेंट को जो है ना बोन कंडक्शन की वजह से ज़्यादा आवाज़ आएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट होता है उसमें नॉर्मल होता है, ऑब्वियसली ये हमारे पास ABC टेस्ट होता है,
एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन, इसमें हम सिर्फ बोन कंडक्शन चेक करते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, मतलब एयर कंडक्शन में प्रॉब्लम है, बोन कंडक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे पेशेंट्स में ABC टेस्ट जो होगा वो हमारे पास नॉर्मल आएगा, ठीक है। उसके बाद कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारी जो लो फ्रिक्वेंसीज़ होती हैं ना वो अफेक्ट होती हैं ज़्यादा, ठीक है। जो लो फ्रिक्वेंसीज़ होती हैं ना वो ज़्यादा अफेक्ट होती हैं, मीन्स दैट के लो फ्रिक्वेंसीज़ मतलब क्या होगा कि जो थोड़ी हमारी पास फ्रिक्वेंसीज़ होंगी ना वो ज़्यादा अफेक्ट होंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है ना ऑडियोमेट्री की बात करते हैं, कि ऑडियोमेट्री जो होता है ना इसमें हमारे पास जो है बोन कंडक्शन बेटर देन एयर कंडक्शन, ठीक है। मतलब कि बोन कंडक्शन सही होगी ना एयर कंडक्शन से, ठीक है। विद एयर बोन गैप, ग्रेटर द एयर बोन गैप मोर इज़ द कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। इसकी हम फिगर हम देखते हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है। ऑडियोमेट्री दरअसल जो होती है ना वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में और सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस की जो ऑडियोमेट्री होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास लॉस होता है ना इसका वो 60 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। लॉस इसका जो होता है 60 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होता और इसमें स्पीच डिस्क्रिमिनेशन जो होती है वो ठीक होती है। अब जब हम इसको कंपेयर करेंगे ना कंडक्टिव सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में, तो उसमें ना हम इसके बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें देखेंगे, ठीक है। कि उसमें हम जब हम बात करेंगे ना कि जो है वो कंडक्ट सॉरी सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो रहा होगा, तो उसमें जो है ना ये देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि नॉर्मल एयर बोन कंडक्शन होगी, यहाँ पर क्या होगा बोन कंडक्शन, ABC टेस्ट हमारा नॉर्मल नहीं आएगा। यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसीज इफेक्ट होती हैं, यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसीज इफेक्ट होती हैं, ठीक है, सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में। यहाँ पे हमारे पास ऑडियोमेट्री का डिफरेंस बाद में बताऊँगी, यहाँ पे हमारे पास जो है 60 डेसिबल से ज़्यादा जो है लॉस नहीं होता, लेकिन सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में आप देखेंगे 60 डेसिबल से ज़्यादा लॉस हो रहा होगा। स्पीच डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर ठीक होगी, मीन्स दैट पेशेंट जो होता है वो जब किसी की जो हम जो है स्पीच डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, मतलब मैं आपको अब मैं बोल रही हूँ ना तो आपको सारी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ, सारा आपको सिग्नल सारी ट्रांसमिशन सही हो रही है, आपको पता चल रहा है हर वर्ड की डिस्क्रिमिनेशन आप कर सकते हैं, तो इट मीन्स दैट योर स्पीच डिस्क्रिमिनेशन इज़ गुड, ठीक है। लेकिन जो हमारी सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होती है ना उसमें स्पीच डिस्क्रिमिनेशन जो होती है ना वो ठीक नहीं होती, ठीक है। सो ये आपने कुछ डिफरेंसेस जो है ना वो याद करने हैं, हम जब उसको देखेंगे तो फिर ऑपोजिटली देख लेंगे कॉजेज क्या हो सकते हैं। कॉजेज जो होते हैं ना इसका टेबल है, हम वो देख लेते हैं। ये टेबल आपका UQ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूछते हैं कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस की जो है ना आप कॉजेज बताएं। तो आपने दो तरह से क्लासिफाई करना होता है, कंजेनिटल कॉजेज हो सकती हैं, अक्वायर्ड हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है आप सारे लिखो, लेकिन जितना आपको पता है आप उतना लिख लो तो वो आपका UQ अटैम्प्ट हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले कंजेनिटल कॉजेज क्या हो सकते हैं कि इसमें हमारे पास कंडक्शन नहीं हो रही ना, कंडक्शन मींस कि हमारी जो है एक्सटर्नल ईयर में कोई प्रॉब्लम है या मिडल ईयर में कोई प्रॉब्लम है। कंजेनिटली क्या हो सकता है कि हमारा जो मीटल है, मतलब जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, वो बना ही नहीं है, एट्रेजिया उसका, ठीक है, वो प्रॉपरली उसकी ओपनिंग नहीं हुई जिसकी वजह से कंडक्शन प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम बात करें आगे जो है ये वाली, ठीक है, ये वाली कि तीनों मिडल ईयर की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्या मिडल ईयर की प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि हमारी जो स्टेपीज़ की फुट प्लेट है वो फिक्स हुई हुई है, ठीक है। आपको पता है ना सबसे पहले मिलस होती है, फिर इनकस होती है, स्टेपीज़ होती है। तो स्टेपीज़ की फुट प्लेट में इधर फंसी हुई है, मतलब फिक्स हुई हुई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कंडक्शन जो है वो मिडल ईयर से इनर ईयर में नहीं जा रही, ठीक है। इसके अलावा जो मेलस का हेड है वो फिक्स हुआ हुआ है, ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी है, कंजेनिटल कोलेस्टेटोमा बना हुआ है। कोलेस्टेटोमा इसका अलग से चैप्टर है, उसमें यही होता है कि हमारे पास कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हुआ होता है, और ये कोलेस्टेटोमा हमारे मिडल ईयर में होता है ना, तो इस वजह से क्योंकि ये वहाँ पे होता है तो इस वजह से क्या होता है कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होती है। फिर एक्वायर्ड कॉजेज में क्या क्या आ सकता है, एक्वायर्ड कॉजेज में फर्दर इसको हम एक्सटर्नल और मिडल ईयर में डिवाइड करेंगे, बिकॉज कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। तो एक्सटर्नल ईयर में क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया था वैक्स हो सकती है, फॉरन बॉडी हो सकती है, कोई भी इन्फ्लेमेशन, कोई ट्यूमर हो सकता है, या ट्रीजिया हुआ हुआ है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और मिडल ईयर में क्या हो सकता है कि हम जो है बात करेंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, तो उसमें परफोरेशन हो सकती है, ठीक है। अब मिडल ईयर के अंदर कोई हमारे पास फ्लूइड इकट्ठा हुआ हो सकता है, मिडल ईयर में कोई हमारे पास ट्यूमर बना हो सकता है, कोई मास हो सकता है, मिडल ईयर की जो बोन्स हैं उसमें डिस्ट्रक्शन हुई हुई है, ठीक है, फिक्सेशन हुई हुई ऑसिकल्स की, या हमारे पास जो यूस्टेशियन ट्यूब होती है जो हमारे मिडल ईयर को हमारी नाक के साथ जो है कनेक्ट कर रही होती है, यूस्टेशियन ट्यूब, उसके अंदर कोई ब्लॉकेज आई हुई है। तो ये सारे कॉजेज वही हैं जो हमारे नॉर्मली जो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में एक्सटर्नल ईयर या मिडल ईयर में इफेक्ट हो रहे होते हैं। तो ये आपने कॉजेज जो है अच्छे से कर लेने हैं, बिकॉज ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट UQ है, ठीक है। तो उसके बाद जो है इन्होंने बताया हुआ कि मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे कि हम जो कॉज होगा उसको ट्रीट कर देंगे नॉर्मल, मतलब जो कॉज होगा उसको ट्रीट कर लेंगे, सिंपल सी बात है। तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस को हम कैसे ठीक करेंगे, हम सबसे पहले जो है वो रिमूव करेंगे हमारी जो कैनाल की ऑब्स्ट्रक्शन है,
ठीक है, अगर वैक्स है तो उसको साफ़ करेंगे, फॉरेन बॉडी है तो उसको रिमूव करेंगे और वो सब कुछ, अगर फ्लूइड इकट्ठा हुआ है तो उसको रिमूव कर देंगे, अगर कोई मास है तो उसको रिमूव कर देंगे, अगर तो जो स्टेपीज की फुट प्लेट है वो फिक्स हुई हुई है, इसके लिए हमारे पास स्टेपेटेक्टमी होती है, एक प्रोसीजर होता है पूरा, ये हम जब इसका चैप्टर पढ़ेंगे तो ऑटोसिक्लेरोसिस का तब हम डिस्कस करेंगे, वो ठीक कर देंगे। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ख़राब है तो उसकी टिम्पैनोप्लास्टी करके उसको ठीक करेंगे, अगर पेशेंट को नहीं सुनाई दे रहा फिर भी तो हम जो है हियरिंग एड दे देंगे उसको, ठीक है। सो ये आपके पास चीज़ें हैं, यही आपने इसमें से करना था। उसके बाद ये मैं ऑडियोग्राम का इसका बता देती हूँ, ऑडियोग्राम की जो है एक पूरी वीडियो है वो आप जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, वो आपने देख लेनी है ताकि आपको ऑडियोग्राम का एक आइडिया हो जाए। लेकिन कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का जो ऑडियोग्राम होगा उस पर आपको ना दो चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है, दो चीज़ें नज़र आएंगी, दो लाइंस नज़र आएंगी। अगर आपको दो लाइंस नज़र आ रही है मीन्स दैट पेशेंट को जो है वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, ठीक है, दो लाइंस आपको नज़र आएंगी तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, ठीक है। और फिर हमारे पास जो है ये हो गया आपका कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का पार्ट। दूसरा आपका पार्ट आ जाता है सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस का, और इसका मैंने आपको बता दिया कि सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में क्या होता है कि या तो हमारी सेंसरी पार्ट में प्रॉब्लम है या कोक्लिया, जिसको हम कोक्लिया कहते हैं, और दूसरा हमारा न्यूरल पार्ट में प्रॉब्लम होता है जिसमें हमारे पास फर्दर सेंट्रल पेरिफेरल आ जाता है, सेंट्रल में हमारी वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व में प्रॉब्लम होती है, और सेंट्रल में क्या होता है कि हमारे सेंट्रल ऑडिटरी पैथवे मीन्स ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास इसकी करैक्टरिस्टिक्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है, और मतलब ये बिल्कुल उसके अपोजिट है जो हमने कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में देखा था। रेनिस टेस्ट क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि इस केस में क्या होगा कि एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन से ज़्यादा होगी और रेनिस टेस्ट हमें इस तरह से मिलेगा, ठीक है, ये मैंने आपको पूरा इसके वीडियो में बताया था। उसके बाद वेबर टेस्ट हम करेंगे तो वो हमारे बेटर ईयर की तरफ लेटरलाइज होता है, मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में जो खराब ईयर होता है उसकी तरफ लेटरलाइज होता है, वहाँ पे पेशेंट को ज़्यादा आवाज़ आ रही होती है, और जो हमारे पास वेबर टेस्ट होता है उसमें जो बेटर ईयर होता है उसकी तरफ पेशेंट को ज़्यादा आवाज़ आ रही होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है इसका एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट जो है वो खराब आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, यहाँ पे बोन कंडक्शन प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, हमारी जो कॉकलिया होती है वो बोन कंडक्शन को डिटेक्ट कर दिया। उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट होंगी, मैंने आपको बताया था कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में लो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा इफेक्ट होती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो ऑडियोग्राम होगा उसमें हमें एक लाइन नज़र आएगी, मैं भी इसका बताती हूँ। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे जो लॉस होगा वो 60 डेसिबल्स को एक्सीड कर जाएगा, ठीक है, मतलब कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में हमने देखा था 60 डेसिबल से कम का लॉस था, ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास लाउडनेस इफेक्ट होगी वो 60 डेसिबल से ज़्यादा की इफेक्ट होगी, ठीक है, मीन्स दैट पेशेंट जो है वो लाउड मतलब लाउडनेस जो होगी ना उसकी ख़राब होगी, मतलब 60 डेसिबल्स जो है उससे भी ज़्यादा मतलब उसकी लॉस होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्पीच डिस्क्रिमिनेशन इसमें पुअर होती है, मैंने आपको बताया था कि हम नॉर्मली जो अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं अपनी आवाज़ को, ठीक है, नॉइजी बैकग्राउंड में कोई भी है तो उसमें जो है स्पीच डिस्क्रिमिनेशन जो है वो पेशेंट की पुअर होती है, पेशेंट नहीं सुन सकता अगले बंदे की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है क्या होगा कि इन द प्रेजेंस ऑफ नॉइज़ जो है उसमें पेशेंट को प्रॉब्लम होगी, स्पीच डिस्क्रिमिनेशन सेम वही चीज़ है, स्पीच डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, एबल टू अंडरस्टैंड द स्पीच इन द नॉइजी या क्वाइट बैकग्राउंड, ठीक है, मतलब कि खामोशी है या शोर है दोनों में पेशेंट जो है वो नहीं आवाज़ को जो है डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा कि अगला बंदा क्या कह रहा है, उसको हम स्पीच डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंसेस जो है ना आपको बहुत अच्छे तरीके से कंडक्टिव हेयरिंग लॉस और सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस का आना चाहिए। सबसे पहला है कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में 60 डेसिबल से कम की होती है और यहाँ पे 60 डेसिबल से ज़्यादा का जो है वो लाउडनेस इफेक्ट होती है, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या था, ABC टेस्ट जो था कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में वो हमारे पास नॉर्मल था, यहाँ पे हमारे पास ABC टेस्ट जो है वो एबनॉर्मल होगा, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे वेबर टेस्ट, वहाँ पे रेनिस टेस्ट डिफरेंट होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा, यहाँ पे हमारे पास जो है हाई लो फ्रीक्वेंसीज इफेक्ट होंगी, ठीक है, हमारे पास कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में, यहाँ पे हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसीज इफेक्ट होंगी, ठीक है। उसके बाद कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में स्पीच डिस्क्रिमिनेशन ठीक होगी और हमारे पास जो सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होगा यहाँ पे स्पीच डिस्क्रिमिनेशन पेशेंट की पुअर होगी, ठीक है। ये कुछ डिफरेंसेस हैं और ऑडियोग्राम का जो डिफरेंस है वो इससे आपको क्लियर होगा। ये देखें, ये जो हमारे पास ऑडियोग्राम है ये सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस का है। जैसे आप देखते हो कि आपको ऑडियोग्राम में एक लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, एक लाइन नज़र आ रही है तो आप समझ जाओगे कि पेशेंट जो है उसको सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, ठीक है। जबकि हमने ऊपर जो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस की जो है वो देखी थी ये वाली, इसमें आपको दो लाइंस नज़र आ रही हैं, दो लाइंस जैसे ही नज़र आएंगी तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस वाला केस है ऑडियोग्राम पे, और अगर हमारे पास जो है वो एक लाइन नज़र आ रही है तो ये आपके पास जो है वो
क्या होगा, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा। और जो है यहाँ पे आप देखें कि आपको जो है ना, ये देखें 60 डेसिबल से कम कम तक की ये लाइन रह रही है, ठीक है। ये ऑडियोग्राम की आप वीडियो देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा इसका अच्छा समझ आएगा, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वो आपने देख लेनी है, ठीक है। और ये वाला जो यहाँ पे देखें 60 डेसिबल से ज़्यादा नीचे तक हमारे पास जो है ना फैक्टोरियल लाउडनेस, और यहाँ पे देखें यहाँ से फ्रीक्वेंसीज इफेक्ट होना शुरू हो गई हैं पेशेंट की ना, ये देखें यहाँ से पेशेंट जो है यहाँ से 300 से जो है ना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। सो ये आपके पास है सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं।